मिर्ज़ा साहिबा के मोहब्बत की कहानी एक बार फिर से आपके सामने है और इस बार कहानी है नए रंग में, नए ढंग में। मेरे साथ हैं फिल्म की दोनों लीड स्टार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बीबीसी हिंदी में। थैंक यू, शुक्रिया। एक तो इतनी बड़ी हिस्टोरिकल कहानी है, मोहब्बत की कहानी है, और जब इस कहानी को आपने चुना था तो मतलब किस तरह का दबाव था, क्योंकि ये ऐसी फिल्म थी जो कई बार बन चुकी थी, पिछले कई भाषाओं में बन चुकी थी। हमने कंटेम्प्रेरी सेटिंग में मिर्ज़ा साहबा की कहानी देखी नहीं है। जो भी पहले प्रीवियस अडेप्टेशंस थे मिर्ज़ा साहबा के, वो मोस्टली पीरियड फिल्म्स थे। तो ये एक्चुअली मिर्ज़ा साहबा की कंटेम्प्रेरी अडेप्टेशन है जो फोकलोर पे भी ध्यान देती है, जो मिर्ज़ा साहबा की ओरिजिनल कहानी है, और कंटेम्प्रेरी कहानी पे भी ध्यान देती है। तो इट गोज बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू टाइम। दो दुनिया है, आदिल और सूची की दुनिया जो कंटेम्प्रेरी राजस्थान में अनफोल्ड होती है, और मिर्ज़ा साहिबा। हर्ष, आप बहुत ज़िद्दी हैं, ये बात आपके डैडी कहते हैं। मानता नहीं, सुनता नहीं मेरी। सचमुच आप इतने ज़िद्दी हैं? मुझे लगता है कि आपके काम के बारे में ज़िद्दी होना बहुत ज़रूरी है, यू नो, बिकॉज देन फिर आपकी जो ओरिजिनैलिटी है, आपके जो चॉइसेस है और थॉट्स है, वो दिख जाते हैं, यू नो, ओवर टाइम लोगों को एहसास होता है कि यू नो, ये आपकी चॉइस थी और आपको ये तरीका सही तरीका लगता है, और आपको ऐसे फिल्मों में विश्वास है, देन योर पर्सनैलिटी काइंड ऑफ गेट्स शेप्ड अप अकॉर्डिंग टू दैट। आप सयामी जिस परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, शबाना आज़मी आपकी मौसी हैं, तो एक फिल्म आई थी मर्द, जिसमें उनको ऑफर किया गया था अमृता सिंह वाला जो रोल था कि ये आप कर लो, तो बोली कि नहीं, इसका नाम मर्द है, इसका नाम औरत होगा तो मैं ज़रूर कर लूँगी। उन्होंने फिल्म नहीं की थी, लेकिन ये तो कहानी ही मिर्ज़ा और साहिबा की है। आपने नहीं कहा कि इसमें साहिबा का नाम होना चाहिए? हमारी कहानी एक कंटेम्प्रेरी यंग कपल की कहानी है, विच इज़ बीन इंस्पायर्ड बाय मिर्ज़ा साहिबान। मेरे हिसाब से आई फील कि साहिबान मिर्ज़ा को प्यार से मिर्ज़िया बुलाती है। जो सूची का कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में गुलजार साहब एक्सप्लेन्स कि एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी, एक नदी थी, कोई किनारा छोड़ न सकती थी, एक नदी थी। तो ये कहानी उस नदी की है, उस फीमेल की कहानी है, और साहिबान ने तीर क्यों तोड़े, वो उस फोक की कहानी है। हर्ष, मेरा आपके विचार में मैं जानना चाहूँगा, मतलब ये आपकी फिल्म से अब रिलेटेड नहीं है, अब ये एक बहस हो रही है, एक बातचीत हो रही है कि जब मर्द एक फिल्म का नाम हो सकता है, औरत होगा तो मैं करूँगी, जब इस तरह की बात होती है, मिर्ज़ा साहिबा की बात होती है, तब आप क्या सोचते हैं? आई वॉज मोस्टली ब्रॉट अप बाय द वुमेन इन माई लाइफ, माई मॉम सोनम एंड रिया, सो आई थिंक आई एम अ गाय दैट्स बीन रेज्ड बाय वुमेन। आई थिंक इफ इट वाजंट फॉर द वुमेन इन माई लाइफ आई वुडंट एग्जिस्ट। मेरी जो रिलेशनशिप है मेरे फादर के साथ, एक्चुअली थोड़े टाइम के बाद, यू नो, वी स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम, जब उन्होंने उनके करियर में वो एक पॉइंट था जब एक नेसेसिटी नहीं थी कि मुझे काम करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, जब ही वॉज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, यू नो, जब कोई फाइनेंशियल प्रेशर्स नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, तो जैसे अब यू नो, इफ यू नोटिस ना, अभी वो कम काम कर रहे हैं, अभी इतनी फ्रीक्वेंटली वो फिल्म्स नहीं करते क्योंकि वो फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं। तो वो मेरे जो हमारी बॉन्डिंग है, यू नो, एक बार मैं 11 या 12 या 13 साल का हो गया, तब काइंड ऑफ हम लोग वी बिकेम क्लोज। मेरे जो अर्ली ईयर्स है आर डोमिनेटेड बाय द वुमेन इन माय लाइफ, यू नो, सो आई थिंक वुमेन आर इन लाइक अमेजिंग। एक फिल्मी परिवार से आप संबंध रखते हैं, बड़ा कंपेयर, अगर आपके पिता स्टार हैं और इतने बड़े स्टार अनिल कपूर जैसे, आज भी मतलब आप दोनों जब खड़े होते हैं तो भाई भाई जैसे देखा जाता है, इस तुलना को कैसे आप देखते हैं? जब आप ये फिल्म देखोगे ना, तो आप ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचोगे नहीं, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे तो फिर शायद मैं हार गया हूँ। जब आप हॉल में बैठोगे तो ये जो दुनिया है, ये कहानी है, और जो ये किरदार है, आप सिर्फ आदिल और मिर्ज़ा के बारे में सोचोगे, अब हर्ष, अनिल, ये सब नाम आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। सोनम, की कौन सी एक फिल्म है जो आपकी सबसे फेवरेट है, या दो फिल्में, और कौन सी फिल्म है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपने बोला कि ये फिल्म यार मेरे को अच्छी नहीं लगी? नीरजा और रांझना जो मुझे बहुत पसंद आई, और प्लेयर्स और थैंक यू आई डिडंट लाइक। बीबीसी हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाते आते चाहूँगा कि फिल्म की एक झलक आपके शब्दों में, मतलब कोई डायलॉग या फिल्म का जो गाना आपको। आकाश के पार अब कुछ नहीं, आकाश में तू और मैं, तीन गवाह है इश्क के, एक रब, एक तू और मैं। चिंगारियां उड़ती है भट्टी से, जैसे वक्त मुट्ठी खोलकर लम्हे उड़ाता है, तो मुझे ये लाइन बहुत प्यारी लगी है।